विश्वात्मा विधिज विषयान् राष्ट्र भोगान् सर्विष्टान् पश्चाचन्यान् स्वमति भवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानीतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विलगुणगणः पातु असौ नस्तुरीयः। अथर्व रेडियो मांडूक उपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते हुए अभी हम लोग मूल के सातवां मंत्र पर रहे हैं। जो वस्तु जहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी के जरिए उसका निश्चय हो जाता है, उसी को हम मिथ्या बोलते हैं। वो जो अंतप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ फिर जो है प्राप्रज्ञान घन, ये सब जहाँ पे दिखाई दे रहा है वहीं पर उसका निषेध होगा। ये तुरीय ही उपाधि के साथ इसी रूप में दिखाई पड़ते हैं। तुरीय जो निर्गुण निराकार निर्विशेष है वही उपाधि के साथ इसी रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो उसका पारमार्थिक रूप नहीं है। तो पारमार्थिक रूप को समझाने के लिए क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, जो अपारमार्थिक रूप दिखाई पड़ रहा था उसको निषेध करना पड़ेगा उसी तुरीय रूप पर। तो क्या हो जाएगा, उसके मिथ्यात्व भी सिद्ध हो जाता है और इन दोनों में वास्तविक लक्षण बिल्कुल भिन्न होने पर भी दोनों बिल्कुल अलग वस्तु नहीं है। यदि अलग वस्तु होता तो कभी भी हम इसको समझ ही नहीं पाते, कभी हमारे बुद्धि में बोध उत्पन्न नहीं होता। ये उसी का अंदर ही रहता है और तो जिसके साथ दिखाई पड़ता है उसका धर्म इसमें नहीं है, तब जाके ये समझ में आता है, ये इसका उपाय है। इसीलिए यहाँ पे भगवान वाचिका बोलते यदि ही त्रिअवस्था आत्मविलक्षणम तुरीयम अन्न तत् प्रतिपत्ति द्वारा, तीन अवस्था रूपी जो आत्मा का स्थिति है उससे यदि तुरीय संपूर्ण विलक्षण होता बिल्कुल अलग होता तब उसकी बोध की दरवाजा का अभाव हो जाने के कारण उसका बोध नहीं हो पाता। बोलता शास्त्र से हो जाएगा, शास्त्र ही ऐसा दिखा रहा है, मतलब कि शास्त्र उसी अधिष्ठान में उस वस्तु का निषेध करते हुए शास्त्र उपदेश जो क्या करेगा, जहाँ पे जो वस्तु है वहीं उसका निषेध करके विशिष्ट रूप में दिखाया, विशिष्ट रूप में दिखा करके जिसका विशिष्ट रूप है उसको नहीं हटाए, विशेषणों को हटा रहे हैं, विशेषणों को हटा दें। अब इसे ही उसका बोध करने का एकमात्र उपाय है। यदि आप ऐसा नहीं मानोगे, नहीं नहीं इसका आत्मबोध ऐसा होता ही नहीं है, तब क्या हो जाएगा, मतलब उनकी दृष्टि में आत्मा या तो विशिष्ट रूप में बोध होगा अथवा शून्य रूप में बोध होगा। पूर्वाद ये कथन के आत्मा या तो विशिष्ट रूप में बोध होगा अथवा शून्य रूप में बोध होगा, मतलब यदि आत्मा को इस प्रकार असंग रूप में नहीं समझ पाएंगे तो कुछ ही नहीं ऐसा लगेगा, शून्यता मतलब क्या हुआ, फिर मतलब ईश्वर नामक कोई वस्तु है ही नहीं, है ही फल क्या हो जाएगा, खाओ पियो और जियो, कोई पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्ति शून्य था, मतलब वो शून्य हो जाएगा, मतलब पुरुषार्थ से च्युत हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप बोलते हैं इस तत्व को अस्तित्व उपाधि के साथ ही है, उपाधि के निषेध के माध्यम से वो समझ में आता है, इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन टीका का इस पंक्ति को पेज 48 इस पंक्ति को हमने पढ़ लिए थे, प्रातिभाषिक को वैलक्षण्य अभी है ना, एक है प्रातिभाषिक वस्तु एक है पारमार्थिक वस्तु, प्रातिभाषिक के साथ पारमार्थिक का विलक्षण लक्षण में बिल्कुल भिन्नता है ना, बिल्कुल होने पर भी विशिष्ट उपलक्षणयोर विशिष्ट और विशिष्ट का अगर उपलक्षित हो जाए वस्तु इसका आत्यंतिक वैलक्षण्य अभाव टोटली कंप्लीट डिफरेंस थी का ये नहीं कह सकते कि उसी का अंदर अनुसूत है। जैसे घोड़ा और गाय को अलग करके दिखा जा सकता है, इस पर उपाधि को कभी भी अधिष्ठान से भिन्न करके नहीं दिखा जा सकता है। रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प को कभी भी आप रज्जु से अलग करके नहीं देख सकते, कभी भी नहीं देख सकते। इसलिए बोलते हैं कि आत्यंतिक वैलक्षण्य अभाव न तात्विकम तुरीयस्य विशिष्टम अनेसे पारमार्थिक दृष्टि से तुरीय न तात्विक तुरीय विशिष्ट मत जिस विशेषता के साथ दिखाई दे रहा है उससे कंप्लीट भिन्न ऐसा नहीं कह सकते, लक्षण में भिन्नता है परंतु ही अनुसूत है। यहाँ पे भिन्न अभिन्न क्या है, ये एक दो तीन चार करके अलग अलग ऐसा नहीं दिखा चाहते, वो तो मनुष्य है, मतलब लक्षण में भिन्नता है। प्रातिभाषिक वस्तु बाधित हो जाता है अधिष्ठान की ज्ञान से, इसलिए उसका ज्ञान बना रहता है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे तो
अत्यंत भिन्न यो जो अत्यंत दो भिन्न वस्तु है मिथ संस्पर्श विरहित जिसमें कभी भी संस्पर्श होना संभव नहीं है यहाँ पे उपाय उपेय भाव होना संभव नहीं है उपाय उपेय भाव अजोगार उपाय उपेय भाव हो ही नहीं पाएगा फल तो क्या हो जाएगा तुरीय प्रतिपत्तो विशिष्ट दारत्व अभाव तुरियों की बोध में जो विशेषत्व के साथ उपाधि के साथ दिखाई दे रहा है वो दरवाजा नहीं बन पाएगा वो दरवाजा नहीं बन पाएगा आप उसको जानने के लिए दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है आप उन शास्त्र से जान लेंगे तो दो ही उपाय नहीं है तो शास्त्र का ही उपाय तो हम बता रहे हैं इसलिए हमें बोलते हैं कि अन्न सचत प्रतिपत्ति दारस अदर्शन दूसरा कोई उसके बोध के लिए दरवाजा नहीं बन सकता ऐसा नहीं दिखाई दिया परंतु क्या हो जाएगा तुरियो अप्रकृति अभी भी कुछ शुद्ध आत्मस्वरूप का बोध हो ही नहीं पाएगा तुरी मतलब शुद्ध आत्मस्वरूप का बोध हो ही नहीं पाएगा ऐसा यहाँ तक हम कल पढ़ लिए थे बोलते हैं शास्त्रार्थ प्रतिपत्ति इति चे यदि शास्त्र से हम जान लेंगे शास्त्रार्थ प्रतिपत्ति से आदि चे न इति आह ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि हम तो शास्त्र छोड़ करके थोड़ी बोल रहे हैं शास्त्र तो शब्दों के माध्यम से आप उपदेश करते हैं अब इसको थोड़ा शंका उठाएगा अब उसको उधर जाओगा शास्त्र से शास्त्र को उपदेश यदि शास्त्र से ये समझ में नहीं आएगा तो शास्त्र को उपदेश अनर्थक हो जाएगा शास्त्र के किसी रूप में समझा रहे हैं शास्त्र से बाहर नहीं जा रहे इसलिए बोलते हैं यहाँ पे शास्त्र उपदेश अनर्थक यदि आप बोलते तब तो इसका बोध कभी होगा ही नहीं तब क्या होगा शून्यता में पहुंचे यानी कि इनके बाद के मत में या तो दो ही प्रकार का बोध होगा या तो विशिष्ट रूप में बोध होगा अथवा शून्य रूप में बोध होगा परंतु विशिष्ट रहित भी है और शून्य भी नहीं है हमारे सिद्धांत ये है इसे यहाँ पे बोलते हैं कि शास्त्र तद विशिष्ट रूपम अनुद्य शास्त्र क्या करते हैं देखो विशेष रूप के अनुवाद करके जो हम समझते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आता है इसको अनुवाद करके तद विशिष्ट रूपम अनुद्य विशेषण अंश अपहेना जिसके द्वारा वो विशेषित हुआ था उस विशेषण अंश को हटा दिया जिस विशेषण के द्वारा विशेषित होकर के लाल कोट के पहना हुआ व्यक्ति अब क्या बोलता है कोट को हम पहना रहने दो परंतु कोट रोहित अवस्था में जो स्थिति है वो है सीधा सीधा अवस्था वो है पारमार्थिक अवस्था ये तो ठंडे से बचने के लिए तो बरसात से बचने के लिए ये इसका पारमार्थिक अवस्था नहीं है इसलिए हमें बोलते हैं यहाँ पे तद विशिष्ट रूपम अनुद्ध मतलब उपाधि के द्वारा विशिष्ट रूप को अनुवाद करके विशेषण अंश मतलब वो जो उपाधि जो विशेषण था उस विशेषण उपाधि को निषेध के माध्यम से विशेषण अंश अपोहेन उसको निषेध के माध्यम से तस्य तुरीयत्वम उपदिश्यते दो नंबर टिप्पणी दसवें मतलब विशिष्ट के द्वारा जो लक्षित हो रहा था विशिष्ट लक्ष्य विशिष्ट के द्वारा जिसको हम लक्षित करना चाहते थे उसको बोध कराते हैं विशिष्ट के द्वारा जो लक्षित होता है विशिष्ट लक्ष्य विशिष्ट का जो लक्ष्य था उसका तुरीयत्व वही जो है चतुर्थ स्थिति है इस प्रकार से शास्त्र उपदेश करता है भेदे च आत्यंतिके तद अनर्थक न शास्त्रा तद प्रतिपत्ति यदि पारमार्थिक भेद होता आत्यंतिके भेदे सति यदि भेद पारमार्थिक होता मतलब आत्मा से भिन्न करके यदि कोई वस्तु देखा जाता तो वो जो वस्तु अलग है यहाँ पे घोड़ा नहीं है आपको गाय दिखा करके हम घोड़ा का बोध नहीं करा सकते जब तक पशुत्व तक समानत्व है फिर भी इतना ही मतलब समाज में अगर विशेष कुछ बोध नहीं होगा परंतु उसी का अंदर अनुसूत है वहाँ पे विद्यमान है तब हम दिखा सकते देखो इससे इसकी भिन्नता को देखने का कोशिश इसलिए बोलता है भेदे च आत्यंतिक यदि भेद अत्यंत सत्य है सबसे अपने मतलब होता तब अनर्थक करता क्या हो जाएगा शास्त्र उपदेश अनर्थक होता न शास्त्रा तत्पति शास्त्र से भी बोध नहीं हो पाता शास्त्र से बोध नहीं हो पाता इति अर्थ ही सभी प्रत्यर्थ है तब तब बोध ना हो शास्त्र का शास्त्र से बोध ना हो क्योंकि शास्त्र तो शब्द के माध्यम से बोलेंगे यदि ऐसा कहते हैं माँ तरी तुरीय प्रतिपत्ति भूत तब तुरीय की प्रतिपत्ति माँ भूत लुम लकार का लोक है ना मान जो लकार का लोक हो गया भूत अत्व का लुम लकार का लोक है माँ भूत माँ तरी तुरीय प्रतिपत्ति भूत भूत अत्व का मतलब ये तुरीय का बोध ना हो इति चेत यदि ऐसा कहे तब क्या होगा तत्रह शून्यतापत्ति विवाह तब तुम शून्यता की स्थिति में आ जाओगे शून्यता स्थिति में मतलब क्या हो जाएगा ऐश्वर्य नामक कोई वस्तु है ही नहीं आत्मा है नहीं थोड़ा तो क्या हो जाएगा खाओ पियो पियो समस्त पुरुषार्थ से च्युत हो जाओगे समस्त पुरुषार्थ से च्युत हो जाओगे यह अभिप्रय करते देखिए यहाँ पर बोलते हैं विशिष्टस्य एव प्रतिपत्त्या तुरीयस्य अप्रतिपत्तौ प्रतिपन्नस्य विषादेर विशिष्टस्य प्रत्युदस्तत्वात् अन्नस्य च अप्रतिपन्नत्वात् नैरात्मधी एव आपद्येत इति अर्थात्मनं कुरु विशिष्टस्य एव प्रतिपत्त्या
विशिष्ट का ही बोध के द्वारा मतलब उपाधि के साथ उसको समझाने के बाद विशिष्ट एवं प्रतिपत्तर तुरीय अप्रतिपत्त हो, यदि उसके बाद भी आपका तुरीय का बोध नहीं होता। विशिष्ट उपाधि के साथ दिखाया, ये देखो इसमें ये उपाधि है, ये उपाधि है, ये सारा उपाधि है, इसके द्वारा उसको दिखाया। क्या दिखाई दे रहा है? उपाधि से विलक्षण है, सारा उपाधियाँ जड़ है, परंतु उपाधि जिसके रहने के कारण चेतन जैसे व्यवहार कर पाता वो भी तत्व अंदर होगा। यदि ये समझ में नहीं आता आपको तो आपको कभी भी अब समझ में नहीं आएगा। नीला में बोलते हैं विशिष्टस्य एव प्रतिपत्त्या, विशिष्ट की बोध के द्वारा ही तुरीयस्य अप्रतिपत्त्यो, यदि तुरीय का बोध नहीं होता। प्रतिपन्नस्य विषादेर विशिष्टस्य, क्योंकि यहाँ पे सुश्रुति ने क्या किया, जो हम अपने को मान रहे थे प्रतिपन्न, हमने मान रहे थे क्या, मैं जागृत स्वप्न सुश्रुति में भोग करने वाला मैं, किस प्रकार से उसका निषेध कर दिया। प्रतिपन्नस्य विषादेर विश्व तेजस प्राग्मत मानतो प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ विज्ञान गणेश का निषेध कर देने पर क्या होता है, विशिष्ट विश्वादेर विशिष्टस्य प्रत्युदस्तत्वात्, उसको निराकरण कर देने के कारण अन्नस्य च अप्रतिपन्नत्वात्, वहाँ पे और किसी का बोध तो हमें दिखाई नहीं दिया, एकमात्र अधिष्ठान आत्मा ही है। अब इसके बाद ये है ऐसा करके तो यहाँ दूसरा भी आत्मा को छोड़ देखो तो नहीं दिखा रहे, मतलब तो क्या हो जाएगा, उपाधि से खाद्य समझ नहीं पाया और इसका मतलब क्या, कुछ है ही नहीं, ऐसा आपको लगने लग जाएगा। कभी ऐसा होता है, अभ्यास योग अभ्यास करने वाले का ध्यान करेंगे, ध्यान करते करते जब आप निश्चित करते जाएंगे तो आपको एक समय आएगा अरे ये क्या हो गया, क्योंकि अभी तक हमारा अभ्यास था कि उपाधि के साथ आपने को देखने का, तो कई बार अभ्यास करते करते कभी एक समय ऐसा झलक आएगा कि कुछ उपाधि नहीं है, मतलब एक तत्व है, उस समय पहले डर लगेगा, अरे ये क्या हो गया, मैं कहाँ हूँ, क्या कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर ईश्वर कृपा गुरु कृपा से यदि वो वृत्ति उठते नहीं, शास्त्र कहते हैं तत्वमसी, यही तत्व तो यही तुम्हारा परमात्मिक स्वरूप है, यदि वो वृत्ति मन में जग जाता है तो क्या होता है, बोध होता है, नहीं होता है तो बोध होता ही नहीं, तुरंत अवस्था में आ गए तो फिर वहां से कट जाए। इसलिए आप बोलते हैं उसको विश्वादिर विशिष्ट प्रत्युदस्तत्वा, विश्वादि के द्वारा जो विशेष रूप दिखाई दे रहा था, इंद्रियों के साथ बाहरी वस्तु को ग्रहण करते हुए, मन के साथ सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण करते हुए, और अज्ञान उपाधि में केवल मात्र अपने अज्ञान को जानती है, जो विशिष्ट साथ जिसको दिखाई दे रहा था उसको निराकरण कर दिया। तो कौन देख रहा था इसको, स्थूल वस्तु का आनंद कौन ले रहा था, सूक्ष्म वस्तु का आनंद कौन ले रहा था, अपने अज्ञान को जान करके कौन खुश हो रहा था। यदि यहाँ पे भी उसको समझ में नहीं आता और उसके बिना और तो कोई है ही नहीं, तो अब क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे, कोई है ही नहीं समझने के लिए, तब क्या हो जाएगा, सुनने का आपत्ति हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं अन्न सच अप्रतिपन्नता, दूसरा कोई आपको सामने शास्त्र नहीं कहता है तो क्या हो जाएगा, नैरात्मधी, आत्मा नामक कोई वस्तु है नहीं, इस प्रकार से बुद्धि शून्यवादियों का ही मुश्किल हो गया, कुछ है नहीं ऐसा बोला, हो सकता है बुद्ध ने कुछ नहीं है, अंतिम स्थिति में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब शून्य नहीं है, कुछ नहीं है तो जानने वाला है, कुछ नहीं को समझने वाला एक है जिससे कारण से समझ पाते हैं, परंतु वो ये नहीं समझ पाया, बुद्ध की सुपरिश समझ नहीं पाया। परंतु कहते हैं नैरात्म धीरेव आपत्ति, नैरात्मवाद आ जाएगा, शून्यवाद आ जाएगा, नैरात्मवाद मतलब क्या है, तो बिल्कुल चार्वाक सिद्धांत में आ जाएगा, प्रत्यक्ष भगवान को ही मानेंगे, खाओ पियो जो मत करो, आगे मुझे कुछ है ऐसा लगेगा, पुरुष समस्त पुरुषार्थ से च्युत हो जाता है ही अर्थ। इस प्रकार से भेद पक्ष से यथक्त दोष वशात न संभवती तरी मा भूत, अभेद पक्ष अपे कथम निर्वहती चेत। अब देखिए इस प्रकार से मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति की तीन अवस्था जो अधिष्ठान आत्मा है इससे भिन्न नहीं हो सकता, उसमें ये दोष आ रहा है, शास्त्र उपदेश अनर्थ हो जाएगा अथवा शून्यवाद में पहुंच जाएगा। यदि इसके ये स्थिति होती है तो अभेद पक्ष में भी कैसे निरूपण करोगे, अभेद पक्ष में भी कैसे निरूपण करोगे। इसलिए बोलते हैं भेद पक्ष से यदि भेद पक्ष में यथक्त दोष वशात, जैसे ऊपर दोष दिखाया आपने, क्या होगा, शास्त्रीय उपदेश अनर्थक हो जाएगा अथवा तुम शून्यवाद में पहुंचाओगे। ये दोष के कारण से यदि ये होना, मतलब क्या भेद, इसमें भेद, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से आत्मा बिल्कुल संपूर्ण एक भिन्न वस्तु है, टोटली भिन्न है, 1, 2, 3, 4 तीन तीन से बिल्कुल भिन्न है, ऐसे यहाँ पे नहीं है, ऐसा हम तो कभी समझ भी नहीं आए, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यदि भिन्न पक्ष में ये दोष आता है तो अभिन्न पक्ष में भी कैसा निर्भव करोगे, तब तो रह जाएगा अभिन्न, मतलब उपाधि का दोष रह जाएगा वहाँ,
तब यहाँ पे बोलते हैं कि अभेद पक्ष अभी कथम निर्वहति, अभेद पक्ष में भी तुम्हारा सिद्धांत तो कैसे बनेगा ऐसा कुछ शंका करता है। तब हम पूछते हैं अभेद पक्ष में तंत्र किम, क्या इस प्रकार जो है उस ज्ञान के फलस्वरूप मतलब इस अधिष्ठान रूपी मुझ में ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति दिखाई दे रहा था पर जो कि पारमार्थिक वस्तु नहीं है इसका कोई फल ये समझने से कोई फल प्राप्त तो नहीं होगा। इसे बोलते हैं तत्र किम फलम पर्यानुयुज्यते, मतलब फल प्राप्त तो नहीं होगा ये तुम कहना चाहते हो, किम वा प्रमाणांतर अथवा कोई दूसरा प्रमाण, जब इस शास्त्र प्रमाण से बिना कोई दूसरा प्रमाण के द्वारा आप जान सकते हैं कि सिद्ध वस्तु है दूसरे प्रमाणांतर से जानना चाहिए कमी क्या है। तो बोले हमेशा शब्द मैं क्या बोला था कल भी बताया था इसको, कोई किसी के साथ संश्लिष्ट होकर के दिखाते हैं, राम ने श्याम को पीटा, ठीक है ना, यहाँ पे कर्ता कौन है और क्रिया कौन है पीटना, तो ये क्रिया के साथ अन्याय होकर के राम शब्द का बोध हो रहा है और श्याम को पीटा, श्याम का बोध हो रहा है तो कैसे मार खाने वाला है राम ने, यानी कि शब्दों में हमेशा उसी ना किसी, ये हमारा अन्नित अभिधान बात प्रभाकर बोलते हैं क्रिया के साथ अन्नित होकर के शब्द का बोध होता है। गाम आनय, गाय को लाइए, तो गाय को लाइए बच्चा छोटा बैठा हुआ था वो देख रहा है कि गाम आनय सुनकर के एक व्यक्ति गया और एक पिंड को लेकर के आया, लाता वो समझ जाता है तो अच्छा इसको लाने के, यानी कि इसको गाय बोलते हैं, क्रिया के साथ अन्वय होकर के वस्तु का बोध होता है, मतलब सबको हमेशा संशिष्ट होकर के बोध कराएगा और आत्मा प्रसंशिष्ट पदार्थ है का संशिष्ट पदार्थ है, तो शब्द से बोध कैसे हो आप यही बोलते हैं शब्दों में ये सामर्थ्य है वो वस्तु जैसा है तद अनुकूल बोध कराता है। मैं कल दृष्टांत दिया था एक हो गया परोक्ष ज्ञान, जब आपने मुंबई में बैठ करके गंगोत्री के बारे में सुना, आप जब आकर के गंगोत्री में अपने मंदिर को देखा देवी को दर्शन तो का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, उस दिन वहाँ पे रह करके जो आपका अनुभूति हुआ होगा आपका परोक्ष ज्ञान, ठीक है, ये किसमें है किसी व्यक्ति ने बोला था आपको कि ऐसा जा करके पहले क्या हुआ शब्द से सुना आपने हिमालय में गंगोत्री नामक एक जगह है इस शब्द प्रमाण से आपका बोध हुआ, फिर वहाँ पे आकर के देखा तो ये भी शब्द प्रमाण से हुआ, उसने ये भी कहा था वहाँ पे यदि साधन करोगे ना अच्छा अनुभूति होगी, तो ये आपका अपरोक्ष अनुभूति ये आपका अपरोक्ष बात है, ये भी आपने शब्द से सुना था, यानी कि जिस वस्तु में जो सामर्थ्य है शब्द उसी प्रकार से बोध कराता है। तुरियों में ये सामर्थ्य है कि विषय नहीं बन सकता वो असंशिष्ट भी रहता है, ये असंशिष्ट रूप में बोध होता है जिसको प्रत्यभिघ्न शब्द के द्वारा बोलते हैं, जिसको हम प्रत्यभिघ्न शब्द के द्वारा बोलते हैं। एक व्यक्ति को आपने 50 साल पहले कहीं मुंबई नगर में डिस्ट्रो पुस्तक बोल तो टाई शूट पहन करके देखा था और वही व्यक्ति को आपने गंगोत्री में घूमने गया तो देखा कि बेचारा बैठकर अब ना तद्देश ब्रह्म रिष्ट पुष्ट ड्रेस कुछ नहीं है और इदम निष्पत आपने पहले देख रहा है, तो आपका तत् और इदम दोनों को छोड़ करके जो विशिष्ट वस्तु होता है उसी का बोध आपका होता है, ये वही व्यक्ति है कैसे होता है, इसीलिए शब्द हमेशा यानी कि किसी किसी संशिष्ट होकर के बोध नहीं कर रहा है, ज्ञान तो उस समय सब कुछ हो रहा था, इस समय जो बोध करा रहा है वो बिल्कुल अपना असंशिष्ट बोध है, क्योंकि आपने क्योंकि इस रूप में तो उसको पहले आपने देखा नहीं था, आपने जिस रूप में देखा था उस रूप में नहीं दिखाई दे रहे और इस रूप में आपने पहले नहीं देखा था फिर भी आपने पहचान लिया, ये आपका मतलब असंशिष्ट बोध मतलब किसी के साथ संश्लिष्ट होकर के बोध नहीं, आपको आप ही समझते हैं कैसे जाना है इसको, और ये दृष्टांत से भी और सूक्ष्म वस्तु है हमारा आत्मज्ञान वो तो अपना अपने स्वरूप रूप में विद्यमान है, ये चीज आप बोलते हैं दूसरा प्रमाण, जब शब्द प्रमाण से नहीं होगा दूसरा प्रमाण से जान लेंगे ये बोलते हैं, अथवा साधनांतरम, नहीं नहीं एक बार ज्ञान से नहीं होगा, अब मैं तू ये हूँ मैं तू ये हूँ आश्रम को मैं जब करेंगे साधनांतर, क्या किसको ऊपर तुम आकर्षण करना चाहते हो, शब्द से ज्ञान नहीं होता इसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना चाहते हो कि इसका फल नहीं मिलेगा, अथवा कोई दूसरा प्रमाण से ज्ञान होगा अथवा कोई साधनांतर चाहिए क्या कहना चाहते हो, ये बोलते हैं भेद पक्ष से यथक्त दोष वशात न संभवती, इस पंक्ति को समझेंगे तो आगे भाष्य समझ में आएगा, संभवती तरी माभ हूँ तब उसका ज्ञान ना हूँ, जब इस पक्ष में मतलब भेद पक्ष में तो अभेद पक्ष अभी कथम निर्वहति, अभेद पक्ष में भी कैसे तुम इसको समाधान दे पाओगे, यदि ऐसे शंका करते तब हम पूछते हैं उनसे बोलो किसके ऊपर तुम्हारा शंका है, क्या इस प्रकार के ज्ञान से फल नहीं मिलेगा अथवा क्या इस प्रकार के ज्ञान होता ही नहीं है, प्रमाणांतर चाहिए दूसरा भी प्रमाण तो अपेक्षा रखेगा अथवा साधनांतर की अपेक्षा रखेगा क्या कहना चाहते हो,
यदि विकल्प आद्यम दूषयति, इसको अगर विकल्प करते पहला मतलब इसका फल उत्पन्न नहीं होता, इस प्रकार अभेद पक्ष में, क्योंकि जब तुरी मतलब तुरी जल समय हमेशा जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साथ ही दिखाई दे रहा है, तो उसका अलग करके कभी बोध होना संभव और मुक्त होना संभव ही नहीं होगा, ये पूर्ववादी के मन में बैठा हुआ है। तब बोलते हैं देखो जरा इस चीज को अनुभव करके देखो, भाष्यकार उत्तर देते हैं इसका, रज्जु इव सर्पादि भी विकल्प माना स्थान त्रय अपि आत्मा एक एव अंत प्रज्ञादित्वेन विकल्पते, ठीक है कौन है वहां पे, जिस प्रकार रज्जु इव जैसे यथा रज्जु सर्पादि भी विकल्प माना, रज्जु सर्प जलधरा भूछिद्र दंड माना, कई प्रकार के कई अलग अलग विकल्प करते माना, ठीक इसी प्रकार से स्थान त्रय अपि, रज्जु कितना है एक है और कल विकल्प ना कितना हुआ पांच छह विकल्प हो गया, उसी रज्जु को ही देख रहे हैं, इसी प्रकार तीनों स्थान में जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जितना भी अवस्था है बाल्यादिशों में जागृत सर्वस्व अवस्था आत्मा एक ही है, इसलिए स्थान त्रय अपि आत्मा एक है, अंत प्रज्ञादित्य न विकल्प होते, कहीं तो अंत प्रज्ञा है कहीं पे वैश्य प्रज्ञा है कहीं पे प्रज्ञान घन है, इस प्रकार से विकल्प होता है आत्मा के ऊपर, इस प्रकार रज्जु के ऊपर मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों आत्मा के ऊपर विकल्प मात्र है, जिस प्रकार रज्जु के ऊपर सर्प जलधरा भूचित्र माला दंड ये सब विकल्प है, ऐसा जैसे जिस समय ऐसा होता है यदा तदा अंत प्रज्ञत्वादि प्रतिषेध विज्ञान विज्ञान प्रमाण समकाल में आत्मनि अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम परिसमाप्तम इति, ठीक है कब तुरीय अधिगम है, इसको इधर भी लेंगे अधिक उधर भी लेंगे, यदा जिस समय आपको कोई ले करके दिखाता है, चार पांच व्यक्ति था कोई कर देखो तुम इसको क्या दिखाई दे रहे थे सर, तुम क्या दिखाई दे रहा था माला, तुम क्या दिखाई दे रहे भूछ दे, तुमको क्या दंड, सब देखो एक रज्जु है यहाँ पे, ये सब यहाँ पे नहीं, तो उसको निषेध करके उस रज्जु के अधिष्ठान का बोध कराता है, दृष्टान्त दृष्टान्त में यही सबसे बड़ा समस्या है, दृष्टान्त में रज्जु एक प्रत्यक्ष होना का विषय बनता है और आत्मा जो है इसका विषय नहीं बनता, कभी भी प्रमाण का विषय नहीं बनता, अनुभव है ये जो समस्या हो जाती है, इसलिए बोलते हैं दृष्टम रज्जुर इव सर्पादि भी विकल्प माना स्थान त्रय अभी, ठीक उसी प्रकार से तीनों स्थान में जैसा रज्जु हर स्थान हर विकल्प में एक ही रज्जु है, इसी प्रकार तीनों स्थान में भी आत्मा एक है वो, और अंत प्रकार उसको यहाँ पे जैसे पूछित जलधरा माला दंड सर्प में विकल्प करते हैं, उसी प्रकार वहाँ पे अंत प्रज्ञ वहिष् प्रज्ञ फिर प्रज्ञा ने घनिष्ठ प्रकार से विकल्प करते हैं, जिस समय तदा उस समय यदि आपको वहाँ पे कोई लेकर के दिखा दे देखो यहाँ पे ना सर्प है ना जलधरा है ना भूछिद्र ना दंड है ना माला है, ठीक इसी प्रकार तुमको गुरु अर्थ शास्त्र जब दिखाता है देखो ये जो अंत प्रज्ञ वहिष् प्रज्ञ यहाँ पे नहीं है, इसलिए बोलते हैं तथा अंत प्रज्ञत्व प्रतिषेध विज्ञान, जिस समय आपको अंत ये आपको समझ में आ जाएगा अरे हाँ यहाँ पे तो सर्प नहीं है, इमीडिएटली सर्प जंतु भ्रांति मन में जो ये था वो तुरंत चला जाता है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण समकाल में है ना, प्रतिषेध जो निषेध निषेध रूपी जो प्रमाण है उस उसके फलस्वरूप जो विशेष ज्ञान उत्पन्न है उसी काल में ही मतलब रज्जु संबंधित ज्ञान होते ही सर्प संबंधित जो डर वो चला जाता है, ठीक इसी प्रकार तुरीय आत्म संबंधित ज्ञान होते ही जगत संबंधित जो भ्रांति बोध था वो चला जाता है, इसलिए बोलते हैं समकाल में आत्मनि अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फल, आत्मा में जो अनर्थ रूपी जो प्रपंच में हमने आरोप कर रखा था उसका निवृत्ति हो जाता है, यही फल है ज्ञान ज्ञान का और कोई फल और उसी ज्ञान का मतलब ज्ञान काल में ही फल है, अनर्थ निवृत्ति अलग काल भी नहीं है, ज्ञान काल में ही फल होता है और ज्ञान काल में फल होता है अनर्थ की बात को भी ये नहीं होता, प्रपंच निवृत्ति लक्षण फल समाप्त फल वहीं पर समाप्त हो जाता है प्राप्त हो जाता है, इति तुरीय अभिगम, इसलिए इस तुरीय तत्व की बोध करने के लिए न प्रमाणांतरम मृग्यम न व साधनांतरम मृग्यम, न जो है ना प्रमाणांतरम साधनांतरम व न मृग्यम, कोई दूसरा कोई प्रमाण के भी ढूंढना नहीं चाहिए साधन तत्व भी ढूंढना नहीं चाहिए, वो वही उसके लिए प्रमाण है वही साधन है बस अधिष्ठान तत्व की ज्ञान, ठीक है तुरीय कुसुम प्रमाणांतर क्यों मैं आपको बोला कि शब्द संशिष्ट रूप में बोध कराता है, परंतु उत्तर हमारा है कि शब्द संशिष्ट रूप में बोध कराते हुए भी उसके अंदर क्या विशेषता है, शब्द एक ऐसा प्रमाण है जो वस्तु जैसे है उसको उसी रूप में बोध कराता है, और साधनांतर क्या बोला था आप उपासना अधिकार के जान लो, बोलता इसके लिए उपाय एक मान लीजिए
आपको एक वस्तु को हमने दिखाया, आपको बोध नहीं हुआ, तो आपको उस वस्तु को छोड़ करके, उसको देखना छोड़ करके, यहाँ पे अंडा है, यहाँ पे अंडा है, यहाँ पे अंडा है, यहाँ पे अंडा है, ये विचार करने से उसका बोध होगा? वो नहीं होगा, आपको उठा के देखना पड़ेगा। इसलिए इसमें मैं मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, उसको आत्म विचार छोड़ करके वो अभी वो नहीं है। मतलब यहाँ पे उपासना प्रशंखन आदि काम नहीं करेगा, यहाँ पे अलग कोई साधारण तरह नहीं, बस ज्ञान से ही बोध होता है, ज्ञान से ही बोध होता है। अब इसको पट्टी का देखिए क्या होता है। हाँ, उपासना क्या काम करेगा? उस तत्व को समझने के लिए, जो मानसिक सूक्ष्म वस्तु को समझने के लिए जो मानसिक एकाग्रता चाहिए वो ला देगा, परंतु बोध के लिए तो ज्ञानी चाहिए, प्रमाण ही चाहिए। आपको जिस वस्तु है तब संबंधित बोध चाहिए, तब जाकर का ज्ञान नाश होता है, ये अभिप्राय है। इसलिए बोध है हम देखिए इसी के ऊपर हमने कहा पे प्रमाणांतर मतलब कि प्रमाणांतर मतलब साधनांतर मिति विकल्प आद्यम दूसरे तीन नंबर टिप्पणी दिखे पड़ रहे आपको पुस्तक में, प्रमाणांतर के ऊपर, ठीक है ना? प्रमाणांतरम इत्यादि शास्त्र अपेक्षा प्रमाणांतर, शास्त्र से भिन्न कोई प्रमाणांतर चाहिए आप ढूंढ रहे हैं, क्या है वो? प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है, यही है ना? प्रमाणांतर तीन नंबर टिप्पणी प्रमाणांतरम इत्यादि शास्त्र अपेक्षा प्रमाणांतरम प्रत्यक्षादि लय चिंतन विधया साधनी भूत विश्वादि विशिष्ट रूप अपेक्षया च साधनांतरम इति अर्थ। देखिए ये प्रमाणांतर साधनांतर दोनों को एक साथ मिला करके टिप्पणी लिख रहे हैं, ठीक है ना? वहाँ पे क्या है प्रमाणांतर अथवा साधनांतर भी थी, ठीक है, टिप्पणी का दोनों को लिया। प्रमाणांतर बोला शास्त्र अपेक्षा भिन्न कोई प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान आदि, एक साधनांतर, साधन हमारे पास क्या है? लय चिंतन विधया, लय चिंतन विधया साधनी भूत विश्वादि विशिष्ट रूप अपेक्षया इसके क्या जो साधनांतर हो उसके भिन्न कोई साधनांतर, बस सारा लय करने का विचार पूर्वक सब लय करने का ही वेदांतिक साधन है। इसके भिन्न दूसरा को ये है वो है ऐसा करके कुछ संपद उपासना विपत्ति को करेगा इस बोध में मत मदद नहीं करता, इतना ही कर सकता है कि आपका मन को तरह सूक्ष्म वस्तु पकड़ने के लिए जो को बना देगा, ये अभिप्राय है। इसलिए हमें बोलते हैं कि प्रमाणांतर अथवा साधनांतर में जो विकल्प आद्यम दूषीय पहले को दोष देते हैं, रज्जु हो गया। अब इसको समझाए आनंद यथा रज्जु टीका में यथा रज्जु अधिष्ठान भूत सर्प धारादि भी विकल्पते, जैसे रज्जु जो अधिष्ठान रूप है वो सर्प जल धारा भूचित्र माला दंड कितना अनेक रूप में विकल्पित होते हैं, विकल्पित होते हैं, अच्छा विकल्प तथा ठीक उसी प्रकार से एक एव आत्मा है ना, आत्मा भी एक ही है, जैसे एक रज्जु अनेक रूप शब्द रूप में अनेक रूप में विकल्पित होते प्रकार एक एव आत्मा स्थान त्रय भी तीनों स्थान में रहते हुए भी जगह जिस समय अंत प्रज्ञत्वादीना विकल्प मान अंत प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञ आदि के विकल्प करते बहुधा भाषक है वही आत्मा जागृत स्वप्न से सुप्त रूप में अनेक क्रिया करते हुए अनेक अवस्थाओं के साथ प्रतीति होते हैं, है ना? जो ये हमारे दक्षिणामूर्ति है ना भगवान भाष्यकार बोलते हैं बाल्यादिशु अपि जागृतादिशु तथा सर्वस्व अवस्था से व्यवृताशु अहम इति अनुवर्तते, बाल्य अवस्था से लेकर के बुढ़ापा कितना अवस्थाओं के बीच में अपने आए, ठीक है ना, इन सभी के बीच में हर चीज का परिवर्तन होता गया, परंतु अंदर से भी स्फुरण होता है हम अस्मि मैं करके वो मैं कभी व्यभिचार नहीं होता, ये भद्र मुद्रा है आत्मा हमेशा एक रूप में कहना। इसलिए बोलते हैं स्थान त्रय अभी यदा अंत प्रज्ञत्वादिना विकल्प मान तीनों स्थान में अंत प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ आदि बोल गए। यहाँ पे देखिए टिप्पणीकार एक नंबर टिप्पणी विकल्प मान मतलब विवर्तमान मतलब कोई पारमार्थिक परिवर्तन अतात्विक अन्यथा भाव हो गया, तात्विक अन्य भाव नहीं है अतात्विक रूप अनुरूप को दिखाई मात्र पर है, बहुधा भाषा भी अनेक प्रकार से प्रतीति होते हैं, कभी बीमार अवस्था में, कभी कुष्ठ अवस्था में, कभी क्रोध अवस्था में, कभी काम अवस्था में, कितने प्रकार से जागृत स्वप्न सुचित्र में हम क्रोध करते हैं बहुधा भाषा भी तदा तद अनुवादेना श्रुति क्या करते हैं ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ना आत्मा इसका अनुवाद करते हैं अनुवादेना अंत प्रज्ञत्वादि प्रतिषेध जनितम है ना अंत वास्तविक ये तुम्हारा धर्म नहीं है ये उपाधि का धर्म है ये इंद्रिय मन बुद्धि बाहरी वस्तु को देखते हैं इंद्रिय मन बुद्धि यहाँ पे सुख दुख को अनुभव करते हैं आत्मा में नहीं है ये इस प्रकार से यहाँ पे बोलते हैं तद अनुवादेन अंत प्रज्ञत्वादि प्रतिषेध जनितम जब प्रमाण रूप विज्ञान शास्त्र प्रमाण है उस प्रमाण से निषेध करते इस प्रमाण से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान जब प्रमाण रूप विज्ञान प्रमाणिक विज्ञान है वहाँ पे ना उस प्रमाण से उत्पन्न जब विज्ञान तब उत्पत्ति समकाल में वह ये ज्ञान जिस समय उत्पत्ति होगा उस काल में ही ये लोकांतर कालांतर में फल देने वाला वस्तु नहीं है
ताकि आपको संदेह हो जाए कि क्या मालूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मालूम उपासना के लिए कर्म के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस प्रकार एक शंका हो सकती है। परंतु ज्ञान में तो ये होना संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस समय ज्ञान होता है उसी समय आपको सारा अनर्थ की निवृत्ति, मतलब यहाँ पे तादात्म्यता चाहिए, ये मेरा 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 भावना और मैं और मेरा ये भाव चला सबसे पहले, ये और यही मुक्ति है, यही मुक्ति है, मैं और मेरा भाव चले, मैं और मेरा यही बंधन है और मैं और मेरा नहीं है, मतलब मैं व्यापक हूँ, यही मुक्ति है। अवकाशवान फल के ऊपर आपने तो आशंका किया था क्या मालूम फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तत्व पक्ष में जब एक मतलब हमेशा जागृत स्वप्न सुषुप्ति एक ही साथ होगा तो क्या मालूम दुख निवृत्ति होगा कि नहीं, नहीं कह सकता। फल के ऊपर क्या किस पक्ष में दो पक्ष किया था आपने बोला भेद, भेद होना संभव नहीं है क्योंकि तब इसका बोध नहीं होगा, अभेद, यदि अभेद होगा तब क्या होगा हमेशा जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साथ ही रहेगा, यानी कि दुख मृत्यु हो ही नहीं पाएगा, बोलते ये नहीं बोल सकते करके देखो परेश होता कि नहीं होता, ठीक है। इसलिए किस जगह पे बोल रहे उसको समझना है, भेद पक्ष में बोध नहीं हो पाएगा तो अभेद पक्ष में तो हमेशा वही रहोगे तो क्या लाभ होगा, ऐसा आक्षेप करने पर तब बोलते हैं क्या लाभ नहीं होगा, बोलो क्या फल नहीं मिलेगा अथवा इससे कोई भिन्न प्रमाण ढूंढता है, फल तो तुम करके देख लो हमसे दिखाई पड़ता है, जहाँ पे हमारी भ्रांति भी तो कोई हमको दिखा देता है कि ये देखो ये जो तुम गलती से सोच रहे थे यहाँ पे वो नहीं है, हमारी भ्रांति मिट जाती है। इसी प्रकार आत्मा में जागृत स्वप्न सुषुप्ति का निषेध कर देने पर तब जनित जो अनर्थ का हम प्राप्त करते थे ज्ञान होने तत्काल ही वो अनर्थ के लिए व्यक्ति हो जाए अपने आप ही होता है। अरे तीनों काल में जन्म मृत्यु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, शरीर कहाँ से आएगा, शरीर कहाँ से आएगा, न शरीर है न कर्म है न कर्म का फल है, अभी सब बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस पंक्ति को अच्छे से सुनो, विकल्प मान बहुधा भासते तदा तद अनुवाद न श्रुति, एक अनुवाद भाग है एक प्रतिपाद्य भाग है, ठीक है, उसको अनुवाद करते हैं तो हम समझते हैं अनुवाद अंत प्रज्ञता प्रतिषेध जनितम, अंत प्रज्ञता निषेध से उत्पन्न होता है जब प्रमाण रूप विज्ञान जो है प्रामाणिक ज्ञान उत्पत्ति समकाल में वो ज्ञान उत्पत्ति उसी क्षण में ही समकाल में आत्मनि अनर्थ निवृत्ति रूप फल, आत्मा में जितना अनर्थ के अपने आरोप किए थे वो निवृत्ति रूप फल प्राप्त हो जाता फलम सिद्धम इति न फल अनुयोग, इसलिए फल पर अनुयोग फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा इस प्रकार की कोई अवकाश यहाँ पे नहीं है, इति अर्थ, ठीक है, ये अर्थ भाग तो हो गया। परंतु शब्द का एक गुण है क्या होता है, देखो ये बोलना टीकाकार दूसरे में ना तुरीय अधिगमे प्रमाणांतरम, ये प्रमाणांतरम की प्रश्न क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है शब्द से संश्लिष्ट परक्ष ज्ञान हेतु हो, शब्द क्या करता है किसी के साथ संबंध करके उसको परक्ष ज्ञान का हेतु बनता है, शब्द से शब्द का संश्लिष्ट परक्ष ज्ञान हेतु हो असंश्लिष्ट अपरक्ष ज्ञान हेतुत्व अजोगा, शब्द में धर्म नहीं हो सकता, असंश्लिष्ट अपरोक्ष ज्ञान का हेतु शब्द नहीं बन सकता है, ये पूर्ववादी की मैं आपने अभी समझाया था कि क्रिया के साथ अन्यत होगा उसी को संश्लिष्ट को, देखो आप टिप्पणी देखो दो नंबर टिप्पणी देखो समय अनुयोगित्व प्रतियोगित्व कर्मत्व आदि रूपम, ठीक है ना, मतलब एक सापेक्ष में बोलेगी अनुयोगी प्रतियोगी मतलब भूतल में घरा नहीं है, इसी प्रकार सापेक्ष हो किसी के सापेक्ष हो और आत्मा से निरपेक्ष है इसका बोध कैसे कराएगा, ये संशिष्ट मतलब किसी के साथ मिल करके गाम आनाया क्रिया के साथ गाय का बोध होता है, ठीक है ना, राम ने रावण को पीटा था मारा था, राम को राम मारने का कर्ता हो गया, रावण मार खाने का आधार हो गया, इस प्रकार से वस्तु का बोध होता है, इस ए संशिष्ट का अभिप्रेत है, ठीक है ना। इसलिए बोलते दो नंबर टिप्पणी देखिए अनुयोगित्व प्रतियोगित्व कर्मत्व आदि रूपों, ठीक है ना, संसर्ग इसके साथ संसर्ग होकर बोलते हैं अन्य तो अभिधान बार, ये प्रभा का कीमत है, प्रभा का कीमत है संशिष्ट विषय, जत जत संशिष्टम तत् तत् विषय कम जत परोक्षम तद हेतु, ये जो संशिष्ट होता है वो उसको इसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं, वो परोक्ष ज्ञान के हेतु बनता है, वो परोक्ष ज्ञान के हेतु तद विषय कम जत परोक्ष उस विषय जो परोक्ष ज्ञान तद हेतु उसके लिए शब्द हेतु बनता है, इति अर्थ। इस प्रकार गाम आने इत्यादि शब्द ही तथा विधम है, गाम आने ये तो हमारा वही अन्य विधान का तो संदेह यही बात को लेकर के दिया था हमने, तो बोला जैसे राम ने शाम को पीटा उसने उसको बोला तो बोलने की लगी कर्ता हो गया, एक व्यक्ति सुनने की लगी कर्ता हो गया दूसरा व्यक्ति, इस प्रकार वो क्रिया के साथ अन्य होकर के व्यक्ति का बोध होता है,
संशिष्ट होकर के भक्ति का वस्तु का बोध होता है, ऐसा हम देखते हैं शब्द प्रमाण। इसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं, ये अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। अपरोक्ष ज्ञान मतलब जहाँ पे कोई उपाधि का मतलब कोई उपाधि और मंत्र भी काम मृत्यु तक भी काम नहीं करेगा, ये अपरोक्ष ज्ञान। ये शब्द कैसे करेगा बोध कराएगा, ये शंका हुई यहाँ पे, है ना, ये शंका हुई यहाँ पे। तो बोलते हैं कि शब्द से संशिष्ट परोक्ष ज्ञान है, उसने बोला मांडव्य कार्य का समझने के लिए पूरा वेदांत सिद्धांत आपके सामने आ जाएगा, धीरे 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 इसको समझने का कोशिश करेंगे क्या बोलना चाहते हैं। इसलिए शब्द से संशिष्ट परोक्ष ज्ञान हेतु वहाँ पे कमा करके ये हेतु होने के कारण हेतु पंचमी है। असंशिष्ट अपरक्ष ज्ञान हेतु तो अजोगात, इसीलिए जो असंशिष्ट है और जिसका अपरक्ष अनुभूति होता है उस प्रकार के ज्ञान के लिए शब्द हेतु नहीं बन सकता है, अजोगात फल निकल जाएगा। तुरियो ज्ञानिक प्रमाण अंतरम इष्टव्य, तुरियो की ज्ञान के लिए दूसरा भी प्रमाण आपको ढूंढना पड़ेगा, शब्द प्रमाण से छोड़ जाते हैं। यदि ऐसा कोई कहता है इति पक्षम प्रति हविष के पक्ष के प्रति भगवान भाष्कर बोलते हैं ऐसा नहीं है, शब्दों की एक विशेषता है, शब्द की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? जो वस्तु जैसा है उसको उसी प्रकार से ज्ञान कराते हैं, और किस समय वो ज्ञान कराएगा वो भी आपको पता नहीं है। आपको इसमें मतलब क्या होता है कि जब आपका कुछ मतलब विपत्ति काल में आप देखिए आपको ज्ञान होगा। इसमें वेदांत में ये कथा प्रसिद्ध भी है। एक चोर था, उसको उसके पिता ने बोला था कभी सत्संग नहीं करना, क्यों सत्संग करेगा तो चोरी बंद हो जाएगा, जीविका बंद हो जाएगा। उसका उसने पिताजी ने कहा था कि कभी कभी सत्संग नहीं करना। वो रोज रात को अंधेरे में चोरी करने जाता था। एक दिन चोरी करने जा रहे तो पैर में एक कांटा चुभ गया, तो कहीं पे बैठ कर उसको निकालना था। तो उस समय दूर में कहीं सत्संग हो रहा था, उसका कान में आया क्या देवताओं की आँख की पलक नहीं करते और जमीन पे नहीं चलते, सत्संग करते ऐसा बोल रहे थे। वो उसको ध्यान नहीं दिया, उसको सत्संग से क्या मतलब, वो चला गया। फिर एक भक्त ने सुन लिया था, उसका संस्कार बैठ गया अंदर। कई साल हो गया, वो बुढ़ा हो गया। उसी जंगल में एक तांत्रिक आया, वो नरमेध जाप करना चाहता था, नरमेध जाप करना चाहता था। तो उसने एक दिन उसको पकड़ा, देखा कि रोज जाते हैं, तब उनको समझाया देखो कि ये तुम इतना दिन तक चोरी चारी किए तुम्हें तो नरक मिलेगा, उससे अच्छा तुमको मैं भगवान को अर्पण करूँगा तो तुम सर्व प्राप्त करो, शास्त्र कर सको। मैं नरमेध जाप करना चाहता हूँ, साक्षात देवी आकर के तुमको बलि देंगे, अब तुम सर्व चले जाओ। सोचा कि चलो ठीक है, बोल रहे हो जाते जाते देखते हैं, एक अमावस्या के दिन ठीक हुआ कि उसको बलि दिया जाए। अच्छा, अब जब उसने मान लिया तब उस व्यक्ति ने उसके खंभ में हाथ पैर बांध करके खड़ा कर दिया, तो बंधन शायद उतना मतलब टाइट अपना पक्का मान लिया था। अब क्या हो गया, अंधेरा की रात है, एक दिया जल रहे हैं, एक देवी मूर्ति सामने है। अब जो देवी मूर्ति सामने है उसको दिखाई दे रहा है कि एक देवी मूर्ति सामने उनका आ गया, परंतु जैसे वो उनकी तरफ देखा, देखा वो जमीन पे चल के भी आ गए, उसका आँख के पलक भी चल पकड़ा। अचानक वो बात उसको याद आ गया, कितना साल पहले सुना था जो देवता होते हैं वो जमीन पे नहीं चलते, उसका आँख की पलक नहीं। तुरंत बोला तू झूठ है, मैंने कोई गलत बोला, भाग गया भाग गया। ये संसार बंधन तोड़ना ऐसा होता है। तत्वों से महाभाग का बार बार सुन रहे हैं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है इस समय, परंतु जैसे ही हमारे पूर्वों की तो दुरिच्छा होगा किसी एक निमित्त को लेकर के अचानक अंदर स्फुरन होगा। शब्दों में ये सामर्थ्य है, ये देखो अपरक्ष, वो किसी को बता पाएगा तुमने क्या देखा, क्यों भाग गया, तो अपनी अनुभूति है, क्या चीज सुन रखा था, उसका संस्कार किस समय अभिव्यक्त हुआ, जिसमें आपत्काल है प्राण जाने के समर्थ है उस समय देखो अभिव्यक्त हुआ, अचानक किया गया, ऐसा होता है शब्द प्रमाण में। इसलिए संशिष्ट पदार्थ का ज्ञान होते हुए भी वो अपरक्ष अनुभूति भी कराते हैं, वस्तु की सामर्थ्य का अनुसार, वस्तु की सामर्थ्य का अनुसार। इसलिए आप ये बोलते हैं कि शब्द से टीका में संशिष्ट परोक्ष ज्ञान हेतु असंशिष्ट अपरोक्ष ज्ञान हेतु तो अजोगा तुरीय ज्ञाने प्रमाणांतर इष्ट पवित्र पक्षम प्रति नहीं तुरीय अधिगम प्रमाणांतर न मृत तुरीय के अधिगम प्रमाणांतर को नहीं ढूंढना चाहिए। तस्य ही साक्षात्कार न शब्द अतिरिक्त प्रमाणम अन्यश्वम मतलब अन्यष्टम अन्यश्वम अन्वेषण नहीं करना चाहिए। उस साक्षात्कार के लिए किसकी तत्तुल्य के साक्षात्कार के लिए तत्वमश्या महावाक्यों के भिन्न और दूसरा किसी भी प्रमाण के आपको सहयोगिता नहीं कर सकते, कुछ सहयोगिता नहीं कर सकते। तस्तुल्य से साक्षात्कार न शब्द अतिरिक्त प्रमाणम अन्य शब्द अतिरिक्त से कोई अन्य प्रमाण का अन्वेषण नहीं करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि शब्द से प्रतिज्ञा है और हेतु दे रहा है, शब्द से विषय अनुसारे न प्रमा हेतु, इसको अंडरलाइन करके रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये छोटा छोटा चीज छूट जाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। शब्द से विषय अनुसारे न प्रमा हेतु, शब्द क्या होगा, जैसा विषय होगा तब अनुकूल आपको प्रमा उत्पन्न करेगा, परोक्ष अपरोक्ष जैसा विषय होगा, जो जो ज्ञान जिस प्रकार के ज्ञान का विषय होगा तत् प्रकार शब्द से विषय अनुसारे न प्रमा हेतु, विषय अभियान का विषय क्या है, तुरीय, जो सर्वत असंश्लिष्ट पदार्थ है, इसलिए बोलते हैं विषय से तुरीय असंश्लिष्ट अपरोक्ष अर्थ, क्योंकि जो विषय तुरीय है वो सर्वत असंश्लिष्ट है और अपरोक्ष ही होता है, परोक्ष होता ही नहीं है कभी, इसीलिए उस प्रकार से ज्ञान होगा, उस प्रकार से ज्ञान होगा। मैं हूँ ये दूसरे से थोड़ी आपको सुनना पड़ता है, मैं हमेशा जानता हूँ कि मैं हूँ, इसलिए आप बोलते हैं विषय से तुरीय असंशिष्ट अपरोक्ष साक्षात्कार प्रसख्यनाखम साधनांतरमिष्टव्य पक्ष प्रतीक्षिपति, ये तो हो गया ठीक है, आपको प्रमाणांतर से काम बनने वाला नहीं है, परंतु शास्त्र गुरुवाक को ही प्रमाण है, इसके सिवा कोई प्रमाण काम नहीं करेगा। अब बोलते साधनांतर, ज्ञान के बिना दूसरा कुछ साधन से कर लेंगे, उपासना कर्म आदि शास्त्र में है, हम मानते हैं, पर वो क्या होते हैं, अंत मन को सूक्ष्म वस्तु को पकड़ने का क्षमता देते हैं, मतलब अज्ञान नाश तो ज्ञान से ही होता है, अज्ञान के नाश उपासना अथवा कर्म से नहीं होता, अज्ञान के नाश उपासना अथवा कर्म से नहीं होता, अज्ञान के नाश ज्ञान से ही होगा। कर्म और उपासना से क्या होता है, उस दरवाजे तक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जितना मानसिक योग्यता चाहिए वो अधन कर, इतना ही मात्र, मतलब अज्ञान का नाश तो ज्ञान से ही होगा। इसलिए शंका उठाया कि तुरीय साक्षात्कार प्रसंख्यानाख्यम साधनांतर में, प्रसंख्या क्या हो गया, प्रतिष्ठित रूप संख्या न मतलब ख्यापन करना अथवा भिन्न, जब ध्यान आदि से हो, तीन नंबर टिप्पणी में देखो प्रसंख्यानम इति प्रत्यय आवृत्ति प्रसंख्यानम, प्रत्यय की जो आवृत्ति है, प्रत्यय की जो आवृत्ति, जय मन मतलब आपका जप रूप में हो अथवा आपका ध्यान रूप में हो, उसका जो आवृत्ति है प्रत्यय आवृत्ति प्रसंख्यानम, तुरीयम तुरीयमिति अनुसंधानमिति, मैं तुरीय किस प्रकार का अनुसंधान करने से ज्ञान, तुरीय क्या वस्तु वस्तु समझना चाहिए तब तुरीय का ज्ञान होता है ना, इसीलिए आप बोलते हैं ये इस प्रकार के साधनांतर भी कुछ नहीं, बस केवल अज्ञान मिटाने के लिए ज्ञान ही चाहिए। आपका कमरा अंधेरा है, कमरे के अंदर कोई वस्तु रखा हुआ है, अब उस वस्तु को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल मात्र लाइट ही चाहिए, केवल मात्र लाइट ही चाहिए, चाहे आपका कमरा एक दिन का बंद हो चाहे आपका कमरा एक साल का बंद हो, परंतु लाइट से ही अंदर का वस्तु प्रकाशित होता है। इसलिए अनादि अज्ञान वो ज्ञान के प्रकाश से नाश होगा, अनादि काल से अज्ञान क्यों ना हो, परंतु उसका नाश तो ज्ञान से ही हो जाता है, एक बार लाइट आने से सारा अंधेरा चला जाता है। इस अभिप्राय से बोलते हैं यहाँ पे प्रसंख्यानम प्रत्यय आवृत्ति प्रसंख्यानम, आवृत्ति कैसे तुरीयम तुरीयम एवं अनुसंधानम, है ना, इस प्रकार से भी यहाँ पे आवश्यक अपने ज्ञान उसी काल में हो जाएगा। प्रसंख्यानस्य अप्रमाणत्वात्, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रसंख्यान कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं कर, आवृत्ति से ज्ञान हो जाएगा, उपासना से ज्ञान होगा ही नहीं, उपास्य देवता को तुम प्राप्त करोगे तो उपासना से ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान तो अज्ञान नष्ट ज्ञान से ही होगा। इसलिए बोलते हैं कि अप्रमाणांतरत्वात् प्रसंख्यानस्य अप्रमाण अप्रमाणत्वात्, प्रसंख्यान कोई प्रमाण नहीं होने के कारण न प्रमा रूप साक्षात्कार प्रति हेतु हेतुता इति भाव, प्रसंख्यानस्य प्रसंख्यान मतलब क्या बोला वहाँ पे बार बार प्रत्यय की आवृत्ति, प्रत्यय की आवृत्ति जो है अप्रमाणत्वात्, ज्ञान के विषय में प्रमाण किसी भी अभिज्ञा क्या प्रमाण है आपके लिए, प्रमाण क्या क्या हमारे पास, कितना प्रमाण मानते हैं, छह प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अनुपलब्धि अर्थापत्ति और शब्द, छह प्रमाण है ठीक है ना, कि ये प्रसंख्यान को तो किसी बात ने कोई प्रमाण नहीं माना, वेदांत सबसे अधिक प्रमाण माना वो छह दर्शनों में, तो उसमें वेदांत छह प्रमाण में से प्रसंख्यान को तो किसी बात ने नहीं माना, और प्रमाण से तो ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रमापरणम प्रमाणम, प्रमा के लिए जो असाधारण कारण उसको प्रमाण बोलते हैं, तो ज्ञान उत्पत्ति के लिए जो कारण है वो हो गया आपका प्रमाण, और प्रमाण के तरह ज्ञान उत्पत्ति, इसी भी वादियों ने प्रमाण के लिए प्रसंख्यान को मतलब उपासना आदि को तो प्रमाण के ज्ञान उत्पत्ति के लिए वो नहीं है,
प्रमाण नहीं माना, प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अनुपलब्धि और आगम, ये आपका प्रमाण है। इसलिए आगे बोलते हैं प्रसंख्यानस्य अप्रमाणत्वा, किसी भी बात प्रसंख्यान को प्रमाण रूप में नहीं मानने के कारण न प्रमारूप साक्षात्कार प्रति, प्रमारूप जो साक्षात्कार है उसके प्रति हेतुता प्रसंख्यानस्य हेतुता न भवति इति भाव, इसके अंदर भाव है। यहाँ तक हो गया एक बार, आप देखिए आगे और बोलते हैं इसी को समझाने के लिए। यथा रज्जु यम सर्प न इति विवेकधि समुदय दशायाम एव रज्जाम सर्व सर्व निवृत्ति फले सिद्धे रज्जु साक्षात्कारस्य फलांतरम प्रमाणांतरम साधनांतरम व न मृत्यते क्लिप्तत्वात् तथा इह अपि इति आह। ये बोल कर के आया उसको प्रशंसा करने जा रहे, जैसे ठीक है ना, जैसे तथा रज्जु इयम न सर्प इति, ये रज्जु है ये सर्प नहीं है, ठीक है ना, ये रज्जु है सर्प इति विवेक अधि समुदाय दशायाम, इस प्रकार की विवेक भी सम्मत उससे उत्पन्न हो गया जिस अवस्था में आकर विवेक धि समुदाय दशायाम एव है ना, विवेक बुद्धि सम्मत रूप से उत्पन्न हो जाने पर जिस समय उसी अवस्था में क्या दिखाई पड़ता है, रज्जाम सर्प निवृत्ति फल सिद्ध, रज्जु में जो सर्प बुद्धि हो रहा था वो निवृत्त, ये फल सिद्ध हो जाता है उसी समय, सिद्ध हो जाता है जिस समय हम निश्चय कर लेते हैं नहीं यार यहाँ तो सर्प नहीं तो रज्जु है, उसी समय जो है सर्प वहाँ से निवृत्त हो जाते हैं। ये बोलते हैं फल सिद्धि रज्जु साक्षात्कार, रज्जु साक्षात्कार करने के लिए करने का फलांतरम प्रमाणांतरम साधनांतरम का नाम लिख जाते, रज्जु साक्षात् करने पर क्या फल होगा जो तत्संबंधित अज्ञान था केवल इतना ही जाएगा। ये चीज और समझना इस चीज को, ये नहीं समझना कि आत्मज्ञान होने पर मेरा 20 सिर 20 हाथ ना 40 हाथ और 40 पैर हो जाएगा, ये नहीं होगा। वो भी जो हाथ पैर से व्यवहार कर सकता है वो भी व्यवहार के लिए योग्य रह जाएगा कि नहीं जाएगा भगवान जानते, क्योंकि आप व्यापकता में स्थिर होंगे पूर्णता में स्थिर होंगे, इसीलिए जो है ये कुछ होने वाला नहीं है, जो भी अपना रखा वो भी खो जाएगा, वो भी नहीं रहेगा, कुछ भी अपना करके नहीं रहेगा। ये इसलिए बोलते हैं बड़ी समस्या है यहाँ पे, लोग तो प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं यहाँ पे सारा प्राप्ति खोना हो जाएगा, ये बोलते हैं यहाँ पे रज्जु साक्षात्कार फलांतर, रज्जु साक्षात्कार का और कोई फल नहीं है, ये रज्जु इतना ही मात्र फल है, कोई और फल आपको आपको उस समय अनुभव में आ जाएगा तो सर पर भ्रांति डर जो था वो नहीं रह जाएगा। फिर अब प्रारंभ तो जब तक है तब तक अधिष्ठान दिया था मैं, अब भाग गए थे गिर गए अपने गिर के आपका चोट लगा सर फूट गया वो तुरंत नहीं ठीक होगा, आपका सर्प संबंधित डर चला गया परंतु वो सर फूट गया वो अपना कारण, वो जब तक ठीक हो आपने समय से ही ठीक होगा, सब में समय से ही जाएगा, ऐसे प्रारब्ध तब तक रहता है। इसलिए बोलते हैं फलांतरम प्रमाणांतरम साधनांतरम बनना मृग्ञते, क्यों आपके ना कोई फलांतर है ना उसके लिए दूसरा कोई प्रमाण चाहिए और कोई साधनांतर भी नहीं चाहिए, जाओ देखो इतना साधन है। हाँ साधन है कि हिम्मत चाहिए जाने का, वहाँ तक जाने का मतलब इस मार्ग में चलने के लिए मानसिक सामर्थ्य चाहिए कि किसी भी अवस्था में कोई भी अवलंबन के बिना भी मैं रह सकता हूँ। अवलंबन मिला तो भाग्य प्रारंभ तो अलग बात है, परंतु मन में इतना ही था किसी भी अवलंबन के बिना भी मैं जी सकता हूँ, किसी भी अवस्था में मैं मतलब आप हम मेरा नाश नहीं है, शरीर तो उत्पत्ति से वस्तु नाश होगा योगा करके तो चिंता है, इस भावना को चाहिए एक दूसरे के लिए प्रत्यय फलांतर प्रमाणांतर सना विज्ञाते, क्यों क्लिप्तत्वात् वो इसमें सामर्थ्य होने के कारण तथा यह अभी ठीक इसी प्रकार यह तो समझना चाहिए इति आह। इसी को मन में रखते हुए भगवान भाष्य का नेक्स्ट पैराग्राफ रज्जु सर्प विवेक समकाले इव रज्ज्याम सर्प निवृत्ति फले सति रज्जु अधिगमस्य, ये बहुपरी समस्या है, रज्जु तत्व को बोध हो गया रज्जु रज्जु अधिगतम जेन स रज्जु अधिगम और तस्य, ये रज्जु अधिगमस्य मतलब रज्जु तत्व को जान लिया जिस व्यक्ति उसका बहुपरी समस्या है, रज्जु तत्व को बोध का बोध हो गया जिस व्यक्ति का उस व्यक्ति का उसका तस्य, रज्जु सर्प विवेक समकाल इव जिस प्रकार रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है जो सर्प उसका विवेक हो गया क्या यहाँ पे रज सर्प नहीं है ये तो रज्जु मात्र है उस समय हो जाता है। समकाल इव रज्जाम सर्प निवृत्ति फले सति मतलब रज्जु के ऊपर जो सर्प दिखाई दे रहा है उसका निवृत्ति हो जाता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा के ऊपर जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुख दुख भूख प्यास का हमने आरोप किया था
है ना। तो ये जो ये आरोपी था ये निश्चय हो जाता है, क्योंकि जब तक शरीर है टोटली तो नहीं जाएगा, क्योंकि दृष्टांत दृष्टांत में इतना भिन्नता है। रज्जु सर्प में जैसा हो रहा है यहाँ पे, तो एक तो अधिष्ठान में भी रज्जु मतलब मैं वो नहीं दिखाई पड़ा, ठीक है ना। और सर्प वहाँ पे तीनों काल में था नहीं, इसलिए वो नहीं दिखाई पड़ेगा। परंतु इससे इतना दिन तक व्यवहार करते हुए आ रहा है एक संस्कार, जैसे इस प्रकार ये सबसे समझने के लिए अच्छा है कि मरुभूमि में जो पानी दिखाई पड़ते हैं, मरुभूमि में पानी दिखाई पड़ते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपको ज्ञान है कि वहाँ पे पानी नहीं है, परंतु दिखाई चाक्षिकता दिखाई पड़ती है। परंतु इसी प्रकार से कुछ दिन के लिए शरीर दिखाई पड़ेगा, परंतु ये सत्य वस्तु नहीं है, ये निश्चय रहेगा, इससे आप मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, ऐसा निश्चय रहेगा। इसीलिए आप बोलते हैं रज्जु सर्प विवेक समकाले, इस प्रकार रज्जु सुख दिखाई दे रहा है जो सर्प, अब दोनों का विवेक, विवेक मतलब पता है बीच पृथक भावे, है ना, मतलब रज्जु और सर्प का विचार पूर्वक आपने अलग कर लिया, ठीक इसी प्रकार शरीर और जागृत स्वप्न सुषुप्त शरीर आत्मा इसको आपने विचार पूर्वक अलग कर लिया। इस समकाल में ही समकाल ही रज्जुआम सर्प निवृत्ति फल शरीर, रज्जु में सर्प निवृत्ति का फल सिद्ध हो जाने पर किसके लिए, रज्जु अधिगमस्य, जिसने रज्जु तत्व को जान लिया। तो इसी प्रकार से तो अब क्या है, आपके पास अनादि काल से एक अज्ञान आ रहा है, ये अज्ञान को मिटाने के बिना और कोई साधन नहीं है। कमरे के अंदर घरा रखा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, केवल कमरे का बत्ती जलाना पड़ेगा। कमरे का बत्ती जलने से जो घरा का आपको प्यास लगा, आप जानते हैं कमरे में घरा है, आपको प्यास लगा, आप जानते हैं कमरे में घरा है अंधेरा है, आप घरा से पानी निकाल कर पीना नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, आपको बत्ती जलना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसका घर से व्यवहार कर सकते हैं। इतना ही महत्व यहाँ पे है, मुझे संसार बंधन जैसा लग रहा है, इससे मुक्त होने का प्यास लगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आत्मसंबंधित बत्ती को जलाना पड़ेगा। बस आप अपना व्यवहार कर सकते हो, घर से पानी निकाल करके पिए, आनंद भरा हुआ उस घर में उस पानी को पिए, बस इतना ही मात्र है यहाँ पे प्रकाश, इतना ही मात्र काम करता है। घर में कोई विशेष आधार नहीं किया, घर में पानी पहले से है और वो पानी आपका प्यास को बुझाता भी है। इसी प्रकार आत्मा में कोई आनंद ला करके ज्ञान ला देगा ये बात नहीं है, पहले से है वो आनंद रस को पीने का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि योग्यता आ गई है, तो देखने की योग्यता प्रकाश होने की कल करेंगे, समय मिल गया। ओम आज का शुभ आज पहला होगा, हाँ कल अवकाश होगा, कल अष्टमी है, कल अवकाश होगा। अजम अपि विनियो मम भैया ना घोरे उपजन उदंबत्रा तत्पादौ पावनीयौ भव भयो सर्वभावे नमस्ते।